गाइस, एक न्यू यूट्यूबर अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर देता है, फिर भी उसे सब्सक्राइबर और व्यूज इतने नहीं आते और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। कई सारे यूट्यूबर एडवर्ड का सहारा लेते हैं। एडवर्ड गूगल का एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं और कई सारे व्यूज़ आपके यूट्यूब वीडियो पे आ जाते हैं, प्लस सब्सक्राइबर भी आपको गेन होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडवर्ड के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि कब आपको एडवर्ड अकाउंट बनाना है, कब उस पर अपने यूट्यूब वीडियोस का प्रमोशन करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स यहाँ पे आपको मिल जाए। और अगर गाइस आप यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एडवर्ड रिवॉर्ड की। हाँ गाइस, एडवर्ड हमें 2000 रुपीस का क्रेडिट देता है जिसको हम अपनी यूट्यूब वीडियोस प्रमोट करने के लिए यूज ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि कैसे आपको एडवर्ड अकाउंट बनाना है और कैसे 2000 रुपीस का क्रेडिट लेना है। आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। मेरा दूसरा पॉइंट है सफिशिएंट कंटेंट ऑन योर यूट्यूब वीडियो। आप एडवर्ड पे अपना अकाउंट बनाते हो उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे इतना सफिशिएंट कंटेंट कर लीजिए ताकि एडवर्ड के थ्रू जब आपकी कोई वीडियो के थ्रू आपके चैनल पे आता है तो उसे इतना कंटेंट देके आपके यूट्यूब चैनल पे कि वो अपना मन बना सके कि आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मेरा तीसरा पॉइंट है वीडियो लिंकिंग। आप जब वीडियो बनाते हो अपने यूट्यूब चैनल पे तो उनको एक दूसरे वीडियो के साथ लिंक कर दो, आई कार्ड के थ्रू, एंड स्क्रीन के थ्रू, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दूसरी वीडियो का लिंक डाल के। कुछ ऐसी वीडियो बनाओ, 3-4 वीडियो जो आपस में लिंक हो या फिर पार्ट बाय पार्ट हो। उससे क्या होगा, जब कोई बंदा आपकी एक वीडियो को देखेगा तो उसे लिंक मिल जाएगा उसी वीडियो के अंदर किसी दूसरी वीडियो का जो उसी का ही एक हिस्सा है। इससे आपके व्यूज बढ़ जाएंगे गाइस, जब वो दूसरे वीडियोस को देखे आपका वॉच काउंट जल्दी पूरा हो जाएगा। सो अपनी सारी वीडियो को एक दूसरी वीडियो के साथ लिंक करो ताकि आपका वॉच टाइम बढ़ सके। गाइस, मेरा फोर्थ पॉइंट है वॉच टाइम को रिलेटेड। कई लोग ये सोचते हैं कि हम अगर हमारे यूट्यूब वीडियो को एडवर्ड पे प्रमोट कर दे उससे जो व्यूज हमें आएंगे उससे हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा 4000 आवर्स का। पर ऐसा नहीं है गाइस, जो वॉच टाइम हमें एडवर्ड के प्रमोशन के थ्रू आता है हमारे वीडियो पे वो कभी वॉच टाइम में काउंट नहीं होता। एड के थ्रू आपको जितना भी वॉच टाइम आ रहा है आपके वीडियो में वो कभी काउंट नहीं होगा। इसलिए अगर आप वॉच टाइम के लिए प्रमोट कर रहे हो अपने वीडियो तो प्लीज कभी मत करना। मगर एक दूसरा तरीका है जिससे आप वॉच टाइम ले सकते हो, जिस वीडियो को आप प्रमोट कर रहे हो उसमें अपनी बाकी वीडियोस को लिंक करो, जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया। अलग अलग वीडियो को आप एक दूसरे के अंदर लिंक कर दोगे तो हो सकता है विजिटर एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे चले जाए आई कार्ड के लिंक के थ्रू, एंड स्क्रीन के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक देके। मेरा फिफ्थ पॉइंट है अट्रैक्टिव वीडियो। जब कभी भी आप एडवर्ड पे जाते हो अपनी यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन करने तो आपको एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखना पसंद करे। फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट में आप यूट्यूब के 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो। अगर ऐसा कोई तरीका है आपके पास तो बताइए लोगों को। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है गाइस, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि 5 मिनट में आप 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा सको। पर एक हेडलाइन बताइए, इस टाइप की कोई हेडलाइन यूज़ कर सकते हो जो रियल में वर्क करे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो देखना पसंद करेंगे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो गाइस, ऐसी एक वीडियो तैयार करो प्रमोशन के लिए जो व्यूज़ भी लेके आए आपकी दूसरी वीडियो के ऊपर, आप उस वीडियो पे लिंक भी कर सको अपनी बाकी वीडियो को, और वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोगों को एक बार देखने में पसंद आ जाए और वो बंदा आपको सब्सक्राइब करके जाए। गाइस, एक टिप और देना चाहूँगा मैं आप सबको। अगर आप न्यू यूट्यूबर हो और गूगल एडवर्ड पे आप अपने वीडियो का प्रमोशन कर रहे हो तो उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर लेना, क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है प्रमोशन के थ्रू कई विजिटर हमारे पास आते हैं, हमारी वीडियो पे देखते हैं और वो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचते भी है, पर उनको जब हमारे सब्सक्राइबर दिखा देता है जो काफ़ी कम वैल्यू होती है तो वो हमें कंपेयर करता है एक बड़े यूट्यूबर के साथ कि मैं उसकी वीडियो देखता हूँ तो मैं फिर इसकी क्यों देखूँ, इसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। इसलिए गाइस, स्टार्टिंग में आप अपने सब्सक्राइबर हाइड कर लेना ताकि लोगों को दिखे ना वो, और वो बंदा आपके कंटेंट को देख के, आपकी वीडियो की क्वालिटी को देख के आपको सब्सक्राइब करके जाए। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी ताकि अगर आप एडवर्ड पे अपने यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन करने के लिए सोच रहे हो तो ये बातें आपको पता हो
तो शायद आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और गाइस YouTube से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपना टॉपिक, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।